good morning students in previous video we learned some tricks of divisibility divisibility by 2 4 8 3 and 9 in this video lecture we will study divisibility by 5 10 6 and 11 see divisibility by 5 a number is divisible by 5 if the digit at its ones place is either ज़ीरो और फाइव फॉर एग्ज़ाम्पल एफ आई राइट नाइन टू थ्री फोर सिक्स फाइव कैसे चेक करेंगे वंस प्लेस पे जो हमारा नंबर होना चाहिए वो हमारा ज़ीरो होना चाहिए या फाइव होना चाहिए अगर ये दोनों नंबर यूनिट प्लेस पे हैं दैट मीन्स इट्स दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय फाइव Now see another example, like if I write one zero two seven five six, here see at unit place it is six, not zero, not five. So this number is not divisible by five. Five two three nine eight zero. Here at ones place it is zero.

एट ज़ीरो अगर हमारा वंस प्लेस पे ज़ीरो है तो कितना भी बड़ा नंबर हो वो हमारा टेन से डिविजिबल होगा इफ आई राइट वन थ्री फोर थ्री फाइव दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय टेन क्योंकि वंस प्लेस पे फाइव है सी डिविजिबिलिटी बाय सिक्स अ नंबर इज डिविजिबल बाय सिक्स इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ टू एंड थ्री नंबर हमारा वो सिक्स से वही डिविजिबल होगा जो हमारा टू एंड थ्री दोनों से डिविजिबल होगा बिकॉज सिक्स इज मल्टीपल ऑफ टू एंड थ्री सिक्स जो है हमारा टू थ्री सिक्स होता है सो टू एंड थ्री से जो नंबर हमारा डिविजिबल होगा वही नंबर हमारा डिविजिबल बाय सिक्स होगा सी एग्ज़ाम्पल एफ आई राइट थर्टी सिक्स सो सबसे पहले हम चेक करेंगे टू से डिविजिबल है कि नहीं हे सी वन स्पेस पे सिक्स है दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय टू नॉ सेकेंड वी विल चेक बाय थ्री सो सिक्स प्लस थ्री इज नाइन एंड नाइन इज डिविजिबल बाय थ्री सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय सिक्स सी एन एज एग्जाम्पल इफ आई राइट टू टू थ्री एट वंस प्लेस इज एट सो इट इज़ डिविजिबल बाय टू सबको ऐड करते हैं एट 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 So, sum kitna aya, 15 And 15 is divisible by 3 That means this number is divisible by both 2 and 3 So, it is divisible by 6 also Now, see one more example 8, 5 3, 5 0 Here, at once place 0 That means it is divisible by 2 Now, check it is divisible by 3 or not 5

If the difference is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. Now, sum of all odd placed digit and sum of all even placed digit. See example: if I write 5, 6, 7, 3, 2, 1, 0, 4. So, sum of ऑल और प्लेस डिज इट्स में जो ऑड प्लेसेज हैं ऑड प्लेसेज लाइक अगर मैं नंबरिंग करूँ राइट साइड से यहाँ से स्टार्ट करते हैं लाइक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट प्लेस तक नंबर है अब यहाँ पे ऑड प्लेसेस कौन सा है लाइक दिस वन इज़ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो ऑड प्लेस कौन सा हुआ दिस वन थ्री फाइव एंड सेवन सो इसको पहले हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे लाइक सम ऑफ ऑल प्लेसेस सम ऑफ़ और प्लेसेज सिक्स थ्री वन फोर इसका सम फोर्टीन आया नैक्स सम ऑफ ऑल इवेंट प्लेसेस अब इवेंट प्लेसेस पे कौन सा है टू फोर सिक्स एट के प्लेसेस पर जो जो नंबर है उसको हम ऐड कर लेंगे लाइक फाइव सेवन टू प्लस जीरो आपका सम करनी पी फोर्टीन आए अब इन दोनों का डिफरेंस लाइक फोर्टीन माइनस फोर्टीन सो फोर्टीन माइनस फोर्टीन इज ज़ीरो दैट मीन्स दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय इलेवन वाई बिकॉज इफ़ द डिफरेंस इज आए द ज़ीरो और डिविजिबल बाय अलेवन या तो हमारा ज़ीरो आए या डिविजिबल बाय इलेवन हो देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय अलेवन तो वो नंबर डिविजिबल बाय हो से होगा एलेवन से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं सिक्स फोर सेवन वन टू टू थ्री ओके सम ऑफ ऑल और प्लेस डिजिट्स आट प्लेसिस दिस 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 एंड दिस सो सिक्स प्लस सेवन प्लस टू प्लस थ्री एड करेंगे एटीन आएगा नाउ सम ऑफ ऑल इवन प्लेस टू लाइक फोर वन टू इसका सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा सेवन ओके ना एटीन माइनस सेवन सो एटीन माइनस सेवन इज इलेवन एंड इलेवन इज डिविजिबल बाय इलेवन सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय इलेवन क्लियर थैंक यू